मेरे बाबा ने व्यवस्था करके भेजी। और इसके पीछे एक बात और भी थी, क्योंकि भोले बाबा जानते थे कि माता सती और मेरा ये आखिरी मिलन है। अब ये जो जा रही हैं अब कभी लौट के नहीं आएंगी, ये आखिरी बार जा रही हैं। ये भोले बाबा मन ही मन जान चुके थे, क्योंकि उन्होंने रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वो जान गए कि हर इच्छा भावी बलवाना, मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया है, अब ये हमारा और सती का आखिरी मिलन है। विधिवत उनकी व्यवस्था करके सती माता को विदा कर दिया भोले बाबा ने। सती माता इधर आई दक्ष के यज्ञ में, देखा किसी ने दक्ष के डर से सती माता को प्रणाम नहीं किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, सती माता ने अपमान सह लिया। बहने भी मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्काता बहने मिली, तो वो भी ऐसे मिली कि अरे बहन अच्छा किया आ गई, कोई बात नहीं, न्योता नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, अपना ही घर है, बिना बुलाए आ गई, बहुत अच्छा किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बातें भी ऐसी कहते हैं, शब्द तीर की तरह चुभते हैं। तो बहने भी व्यंग बाण छोड़ रही हैं माता सती पे, माता सती सह गई। केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला जो हृदय से मिला, और वो थी उनकी माँ। उनको बहुत दुख था उनके नहीं आने का, सादर भले ही मिली एक माता, सबसे सादर मैया उनकी मिली माता सती की उनसे। और फिर सती माता ने जब अपने पिता दक्ष की ओर देखा, तो दक्ष ने अपना मुंह फेर लिया, देखा तक नहीं सती माता की तरफ। कोई बात नहीं, सती माता वो भी अपमान सह गई। लेकिन जब यज्ञ की तरफ निगाह गई, तो देखा कि छोटे से छोटे देवताओं को भी भाग मिला है, वेदियां सजी हुई हैं, लेकिन भोले बाबा को कहीं पे भी उनका आसन, उनकी वेदी, उनका भाग कहीं पर भी नहीं है। अब सती माता से नहीं रहा गया, अपने पति का अपमान सती माता नहीं सह सकी। उन्होंने तुरंत घूमकर कहा, दक्ष तुम शिवद्रोही हो, और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं एक शिवद्रोही की पुत्री कहलाऊं, और जब तक मैं इस शरीर से जीवित रहूंगी तो मैं दाक्षायणी ही कहलाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे इस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देती हूं। और मैया ने योगाग्नि से अपने आप को जला लिया, भस्मीभूत कर दिया, और दक्ष के यज्ञ में ऐसी अशुभ घटना घट गई। अरे जैसे ही ऐसा हुआ, हाहाकार मच गया, और रुद्रगण जो भगवान शिव ने भेजे थे मैया के साथ, वो सब वापस गए और बताया, और उसमें भी हमारे जो नारद जी हैं उन्होंने भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया कि अरे मैया सती अपने पिताजी से मिलने गई, और मिलते मिलते दक्ष ऐसा मिला कि यज्ञ में ही ढकेल दिया उन्हें, बढ़ा चढ़ा कर बता दी थोड़ी चटपटी खबर बनाने के लिए। संवाददाताओं की ऐसी आदत होती। तो जैसे ही भगवान शिव ने ये बात सुनी, अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, और उन्होंने तुरंत जटा से उखाड़ कर फेंका, और वहां पे वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। और भगवान शिव का क्रोध तो आप जानते ही हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावते स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग माली शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम अखर्व सर्वमा
का शिव तांडव स्त्रोत बहुत बड़ा है। हम लोगों ने संक्षेप में दर्शन किए। भोले बाबा को क्रोध आया, वीरभद्र को भेजा, जाओ दक्ष का यज्ञ दक्ष के समेत विध्वंस कर दो, दक्ष के समेत। वीरभद्र वायु के वेग से भागे हैं और यज्ञशाला में पहुंचे, पूरा पांडाल फाड़ कर फेंक दिया वीरभद्र ने। और जितने देवता वहां पे अपना भाग पाने के लिए आए थे सबको खंडित मंडित किया। सब देवताओं ने भृगु महाराज से प्रार्थना करी तो भृगु महाराज ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से देवताओं की रक्षा करी और रुद्रगणों को पीट पीट कर भगा दिया। अब जब रुद्रगण वापस आए और इधर वीरभद्र को साथ में जब लेकर गए तो वीरभद्र ने एक एक से बदला लिया है सभी देवताओं से। कैसे? सब रुद्रगण बता रहे हैं, ये जो पूसा देवता है महाराज, जब हम पिट रहे थे ना तो ये बहुत दांत निकालकर हंस रहे थे, वीरभद्र ने एक मुक्का मारा पूसा देवता की सारे दांत बाहर आ गए। फिर तुरंत रुद्रगण शिकायत करने लगे, अरे जब हम पिट रहे थे ना तो ये जो भग देवता है अपनी आंखें मटका रहे थे, वीरभद्र ने दोनों उंगलियों से दोनों आंखें बाहर निकाल ली। अरे अरे ये जो भृगु बाबा है इन्होंने ही तो पिटवाया है रक्षोहण मंत्र की शक्ति से, और ये अपनी दाढ़ी पे बहुत हाथ फेर रहे थे जब हम पिट रहे थे, वीरभद्र महाराज ने उनकी दाढ़ी ऐसी खींची कि पूरी दाढ़ी हाथ में महाराज। अब तो पूरा यज्ञ तहस नहस करके वीरभद्र भगवान ने आखिरी में दक्ष को पकड़ा और दक्ष की गर्दन मुरेड़ कर और उसका मस्तक उसी यज्ञ में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस करके वापस आ गए। अब तो महाराज मातम छा गया। वापस आए सभी देवता कहने लगे, गए तो थे हम भाग लेने के लिए, कुछ मिलेगा? अपना ही भाग दे के चले आए, कहीं यहां से टूट के वहां से टूट के खंडित मंडित होके गए तो थे भाग लेने के लिए, अपना ही कुछ हाथ पैर तुड़वा के दे के चले आए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये क्या है, ऐसे देखिए क्या किया। ब्रह्मा जी बोले एक बात बताओ, दक्ष ने निमंत्रण तो हमें भी दिया था, हम तो नहीं गए। विष्णु भगवान को भी निमंत्रण दिया था, वो भी नहीं गए। जब भोले बाबा हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम सब क्यों गए? उसी का फल पाया है तुम सब ने। जहां त्रिदेवों का सम्मान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान नहीं, वहां तुम सब क्यों भाग लेने के लिए गए? बोले अब हो गई जो गलती उसे क्षमा करो, अब आप आगे बताओ, हमारे दांत तोड़ दिए, हमारा ऐसा ऐसा हो गया, कुछ ठीक करवाइए। बोले चलो भोले बाबा के पास, छड़ई रुष्टा छड़ई तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़ई छड़ई। भोले बाबा तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे ही चल के क्षमा याचना करें और कोई उपाय पूछें। आए भोले बाबा के पास, भोले बाबा को सारा हाल सुनाया। भोले बाबा ने कहा, भृगु देवता आए कि देखिए आपके वीरभद्र ने हमारी दाढ़ी, भोले बाबा ने थोड़ी सी दाढ़ी इधर दे दी, लो जाओ, वही आजकल फैशन में जो फ्रेंच कट दाढ़ी चल रही है ना, ये भृगु बाबा की देन है, भोले बाबा ने थोड़ी सी दाढ़ी दे दी, जाओ। फिर पूसा देवता आए, कहने लगे मेरे दांत तोड़ दिए, अब हम खाएंगे कैसे? भोले बाबा ने कहा, अब तुम्हें दांतों की जरूरत नहीं, सतुआ घोर घोर के पियो, जाओ। भग देवता आए, कहने लगे मेरी आंखें निकाल ली, भोले बाबा ने कहा आपको हम मित्र दृष्टि से देखने का सामर्थ्य देते हैं, आप मित्र दृष्टि से देखेंगे। सबको सब कुछ दिया तो सब देवताओं ने कहा, भोले बाबा जब आपने सबका सब कुछ सही कर दिया है तो अब चल के यज्ञ भी संपन्न कर दीजिए। भोले बाबा बोले ऐसे क्यों जाएं हम? कहने लगे अच्छा ठीक है, आज से हम सभी
ये कहते हैं कि यज्ञ में जितना भी बचा हुआ भाग होगा वो सब आपका। अब तो भोले बाबा खुश, जो भी बचा हुआ मिल जाए तो भी खुश। ठीक है, चलो तुम्हारा यज्ञ संपन्न करवा देते हैं। आए बोले यजमान बुलाओ। यजमान की तो मुंडी हवन कुंड में पड़ी है, यजमान कहाँ से आए? अब तुरंत फिर यजमान के लिए बकरे का सिर लाया गया। भोले बाबा ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ा और फिर दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा की स्तुति करी है बम 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 करके, क्योंकि बकरे की आवाज। इसीलिए आज भी भोले बाबा के जितने भक्त होते हैं वो बम बम से भोले बाबा को रिझाते हैं मंदिर में। और भोले बाबा क्यों रिझ जाते हैं? उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके ससुर जी की वाणी बदल गई है, बकरे की आवाज में बोलते हैं ना। और फिर भोले बाबा ने यज्ञ संपन्न किया। बोलिए भोले नाथ की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। Oh,
आगे शुकदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि इन्हीं मनु महाराज के, ये तो तीन पुत्रियों की कथा सुनाई, अब जो दो पुत्र बचे हैं उनमें से जो पहले पुत्र हैं वो राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का सुनीति। हमारे भीतर भी हम ही वो राजा उत्तानपाद हैं, हमारे भीतर भी दो ही बातें हैं, एक हमारी सुरुचि और एक हमारी सुनीति, लेकिन हम प्यार सुरुचि से ज्यादा करते हैं। अर्थात हमें नीति धर्म ज्ञान की बातें पता तो बहुत है लेकिन हम करते नहीं, हम करते वो ही है जो हमें रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, जिसमें हमारी रुचि होती है। धर्म कहता है बड़ों का सम्मान करो, पैर छुओ, लेकिन हमें रुचिकर नहीं लगता तो हम सम्मान नहीं करते। धर्म कहता है सत्य बोलो, हमें रुचिकर नहीं लगता तो हम नहीं करते। तो हम ही वो राजा उत्तानपाद हैं, हमारे ही भीतर दो रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। और यहां पर भी राजा उत्तानपाद सुरुचि को अत्यधिक स्नेह करते हैं और सुनीति को कम स्नेह करते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुरुचि के जो पुत्र उत्तम थे वो अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, तो सुनीति के पुत्र जो ध्रुव जी महाराज हैं वो भी अपने पिता के पास जाने को उद्यत हुए और उन्होंने सोचा मैं भी अपने पिता की गोद में ऐसे ही बैठ जाऊं जैसे मेरा भाई बैठा है। जैसे ही बढ़ने लगे कि सुरुचि खड़ी थी, उन्होंने कहा रुको ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले भगवान की तपस्या करो और उनसे ये वरदान मांगो कि तुम मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। ऐसे दुर्वचन एक कोमल नन्हे से बच्चे को सौतेली माता ने कह दिए कि जाओ तुम अभी पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं, जाओ पहले जाके कुछ साधना तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज को ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आया क्योंकि नन्हे से 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी। यहाँ पे ध्रुव जी का चरित्र इसलिए आता है कि जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए, अरे महाराज भक्ति का कोई समय नहीं, 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, बुढ़ापा देखा किसने है, कितनों को पता कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, जिसको पता हो वो लोग बुढ़ापे के लिए रख लेना, जिसको अपना डेट टाइम फिक्स हो वो लोग। और हमारे ठाकुर तो कहते हैं क्यों मुरझाए फूल चढ़ाते हो मेरे पे कि बूढ़ा हो जाऊंगा तब आऊंगा, अरे नई नई कलियां चढ़ाओ ना, खिले खिले फूल चढ़ाओ ना, जब आप युवान हो, युवक हो, बच्चे हो तब आओ ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो मुरझाया फूल चढ़ाने आते हो तब कितना भी उपदेश दे लो वो रंग चढ़ता ही नहीं, चढ़े ना दूजो रंग। 50-55 साल तक जो अभ्यास कर लिया, जिस तरह की आदत बना ली, अब कैसे बदलेगी, कितना भी सुन लो। और एक बच्चा जो कोमल कली होता है कैसे भी मोड़ दो, सबसे ज्यादा तो बच्चों को और युवक भाई बहनों को कथा सुननी चाहिए, असर पड़ेगा और उस असर का असर दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, क्योंकि हम लोगों में सामर्थ्य है बदलने की। जैसे जैसे उम्र बीतती है सामर्थ्य कमजोर हो जाती है क्योंकि हमारा अभ्यास उधर का पक्का हो गया। हम लोग कथा श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन नहीं करते। घर में जाकर कितने लोग इसी कथा को दोहराते हैं, कोई नहीं। घर तो छोड़िए, मंदिर के दरवाजे पे ही दूसरी चर्चाएं चालू हो जाती होंगी।
इसी यही कारण है कि कथा हमारे भीतर कभी आती नहीं, आचरण में आ नहीं पाती। पूरे 3 घंटे 4 घंटे की कथा में कोई एक बात का ले जाके घर में मनन तो करो। जैसे कभी गाय भैंसों को देखा है, चारा खा लेती हैं, बैठ के जुगाली करती रहती हैं, मुंह चलता रहता है, उसी उतने चारे को पचाती रहती हैं। तो ये जो आप यहाँ से प्रसादी ले जा रहे हो, घर में थोड़ी देर अपने लिए एकांत में समय निकाल कर इस चर्चा की सीडी को रिवाइंड करो अपने दिमाग में। और हम क्या रिवाइंड करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा कैसे बोला, फिर ये हुआ। हम वो चर्चाएं रिवाइंड करते हैं जो हमें दुख देती हैं। हुआ तो एक ही बार था, घटना तो एक ही बार घटी, लेकिन हमने उस घटना को 4 बार दिमाग में रिवाइंड किया वो सीडी, और वही सीन क्रिएट करके 4 बार अपने आप को स्वयं दुख दिया। उस व्यक्ति ने नहीं दिया, वो व्यक्ति तो एक बार ही बोल के चला गया, आप बहुत बुरे हो, उसने एक ही बार बोला, लेकिन हमने उसी सीडी को 4 बार इधर रिवाइंड किया और वो 4 बार दुख लिया। हाँ मैं बहुत बुरा हूं, उसने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, फिर दुखी हुए, कैसे बोला। तो ये हमारी जड़ता है, इसमें कहने वाले की कोई गलती नहीं। और उतना ही नहीं, हम उतने पे ही नहीं रुकते, उसके आगे और बातें चलाते हैं, ऐसा कैसे बोला, मैं देख लूंगा, इसने इसलिए ऐसा बोला होगा। अब हमारी सीढ़ी बढ़ रही है, उसी में हम एनालिसिस करते चले, शोध हो रहा है हमारा ऐसी बातों पे, जबकि ऐसी बातें शोध करने योग्य नहीं है। अरे शोध करना है तो ठाकुर जी की कथा में करो, चर्चा का मनन करो और उसमें शोध करो कि हाँ ये कथा आती है तो ये कथा ऐसे कैसे है, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस बात की सीडी रिवाइंड करो ना घर जाकर, कितने लोग करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अरे कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, बहुत कथा सुनी है, लेकिन इतनी कथा सुनने के बाद भी एक भी बात आपके व्यक्तित्व में झलक नहीं रही है। क्यों? मनन नहीं किया, उसको अपने भीतर प्रवेश करने ही नहीं दिया। तो हमारे ध्रुव जी महाराज को वो सौतेली माँ के वचन लग गए, वो अपनी माँ के पास गए, मैया सुनीति के पास, कहने लगे मैया मैं मुझे क्या पिताजी की गोद में बैठने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इतना अभागा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए, एक नन्ना सा 5 वर्ष का बालक, अब उसे माँ कैसे समझाए। लेकिन यहाँ पे भी सुनीति को देखिए, उन्होंने कुभाव नहीं उत्पन्न किया अपने बेटे के हृदय में, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दी। हम लोग आजकल अपने बच्चों के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी भरते हैं जिससे कि बच्चों का आज छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? सहनशीलता रह नहीं गई। न्यूज आती है थप्पड़ मारा टीचर ने, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सहनशीलता सीखी नहीं, घर में देखा नहीं। हमको अब वो जीना ही नहीं आता कि जब सब तरफ से विपत्तियों से हम घिरे हो उस समय कैसे हमें खड़े रहना है, क्योंकि हमें हर समय जो परिस्थितियां मिली हमारे अनुकूल दी गई। अरे मेरे बेटे को ऐसे ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, उसको तो ऐसे ही चाहिए। हम देते गए देते गए देते गए अपने बच्चों को सारी अनुकूल परिस्थितियां, तो बच्चे कैसे सीखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना। सुसाइड तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं उनसे लड़ना, उनसे जूझना। और यदि हम उन्हें दोनों परिस्थितियों में जीना सिखा देते तो जब वो किसी भी विपत्ति को पार करके सामने आते तो खरा सोना बन के निकलते। राम जी जब वन गए तब बन गए, अगर राज्य में रहते तो बनते नहीं। आज राम जी को हम लोग कैसा, ठाकुर हमारे राम जी क्यों? क्योंकि वनवास गए, जब जंगल में गए हैं वहीं की पूरी लीला चर्चा का हम लोग
वर्णन करते हैं। अगर हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी, तो हम कभी बन नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सोना तभी चमकेगा जब सब तरफ से प्रतिकूल परिस्थितियां हो और फिर भी हम निखर के सामने आ जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये ऊर्जा, ये उत्साह हमें हमारे ठाकुर की कथा से मिलती है। किसी स्कूल में नहीं सिखाते ये, कहीं पे भी नहीं, किसी मूवी में भी नहीं दिखाते। तो यहाँ पे सुनीति माता ने ध्रुव जी को सकारात्मक विचारों से ही भरा कि हाँ बेटा, तेरी जो सौतेली माता है ना, वो तुझसे बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि तुझे ठाकुर का दर्शन हो जाए, तुझे वो अपने बेटे से भी ज्यादा ऊंचा देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा। देखा कैसे बात बदल दी, कितनी नकारात्मक बात को कितनी सकारात्मकता से सुनीति माता ने ध्रुव के कोमल हृदय में भेज दी।